आई एम हियर एट माय फेवरेट कैफे व्हिच इज इन वर्सोवा यारी रोड. इट्स कॉल्ड लागवा. लेट्स मीट द ओनर. हे काजल, हेलो. से हाय टू. हाय. शी मेक्स सच नाइस कॉफी. यस, आई विल सी. ये एकदम रोड पे है. मस्त बारिश का एंजॉय कर सकते हो आप लोग और अंदर बैठने की बहुत प्यारी जगह है. सो आ जाइए. और बहुत प्यारी पेंटिंग्स भी हैं. सही. एंड हम यहाँ बैठने वाले हैं. बड़ी डिफरेंट सी सीरीज़ है यार. और पहली बार मैं एक अर्बन कैरेक्टर कर रहा हूँ. सो आई एम रियली हैप्पी. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट प्रोजेक्ट. एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार नए लोगों के साथ काम करने में. एंड मेरी फेवरेट डायरेक्टर है यार उसमें अभिषेक सेन गुप्ता, जिनके साथ आई रियली वॉन्टेड टू वर्क विद हिम. बट दिस टाइम फाइनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम. एंड आई एम लाइक फिंगर्स क्रॉस्ड. लेट्स सी कैसा आता है. या दैट आई कैन टेल यू आराम से, बिकॉज इंटरेस्टिंग चीज़ें तो बहुत सारी हुई. आई रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ कैरेक्टर फॉर कैंसर फॉर दिस गुड बैड गर्ल वॉज इंटरेस्टिंग. एंड देन आई एम जस्ट एक्साइटेड टू प्ले एन अर्बन कैरेक्टर बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग समथिंग विच इज़ अर्बन. एंड आई कॉन्ट से मच अबाउट द प्रोजेक्ट राइट नाउ अबाउट द गुड एंड द बैड गर्ल. सो या आई हैड अ ग्रेट टाइम. सो आई एम जस्ट लेट्स सी लेट्स लेट देम अनाउंस समथिंग रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट. देन लेट्स सी. अमेजिंग यार. द जर्नी हैज़ बीन ब्यूटिफुल बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी अप्स एंड डाउन्स. एंड नाउ आफ्टर गुल्लक इन माई एंड अदर प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग आई एम रियली एक्साइटेड. एंड आई एम हैप्पी दैट पीपल नो मी नाउ. आई डोंट नीड टू से दैट ओके आई एम एन एक्टर. नाउ दे हैव सीन माई वर्क. एंड थैंक्स टू द OTT एंड थैंक्स टू गुल्लक एंड माई बोथ. सो पीपल लव्ड माई वर्क इन गुल्लक. दे लव्ड माई वर्क इन माई. So I'm getting a new work and I'm really, really, really blessed that, you know, I'm working with some good directors, some young directors and with some good projects. I want to say that it took some time for people to recognize Gullak and then me, because when season one came, nobody saw it because it was on Sony Live and Sony Live was just starting that time. So for all of us actors, you're like, yaar itna acha show hai aur koi dekh nahi raha hai because koi faces nahi the. But then slowly Gullak picked, and then season 2 came, and then it became a mega hit, and then third came. So I think in second season when Anupama Chopra, you know, she ma'am posted something on Twitter and Instagram, and that was like, for me that was this thing ki yaar, okay, now, you know, she's watching the show. And then the whole media, the whole Bollywood bol sakte hain, I think sabne dekha, and that's how Gullak ki journey shuru hui. So jab second hit hua, logon ne dekha, then people saw Gullak season 1. So second ke baad Gullak season 1 kaafi dekha gaya. And then third, they are loving it, and the kind of response I'm getting for Gullak is just beautiful, yaar. I'm going anywhere, people are just, you know, they saw Gullak, and that's the most beautiful thing, yaar. That people are seeing, aise shows hai na, jahan pe koi bahut bade naam nahi hai. बट लोगों को काम अच्छा लग रहा है, लोगों को मिडिल क्लास फैमिली की कहानियाँ अच्छी लग रही है. एंड दे आर रियली, यू नो, दे आर इमोशनली कनेक्टेड टू गुल्लक. एंड दैट्स द, फॉर मी इट्स अ विन विन सिचुएशन यार. इफ़ आई गेट वन मैसेज सेइंग दैट आई लाइक योर वर्क, एंड दैट्स आई थिंक यही इसी के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं. दे विल बी Part 4, Part 5, Part 6, जब तक मिडिल क्लास रहेगा गुल्लक बनता रहेगा. एंड गुल्लक की खूबसूरती यही है यार कि हमारे मिडिल क्लास में इतने सारे किस्से होते हैं कि गुल्लक हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम इंडियाज, यू नो, फ्रेंड्स और ऑफिस और दैट काइंड ऑफ अ सीरीज. एंड बिकॉज ऑफ द मेकर्स यार, TVF, पलाश, दुर्गेश भाई जिन्होंने लिखा है, पलाश जिन्होंने डायरेक्ट किया है, एंड दे आर लाइक लगे हुए हैं.
So let's see. I signed for Mai because as an actor, I think and I consciously make sure that I sign or I do these characters because there's so much to do, yeah. There's so much to do. There's so much to explore as an actor. And for me, Mai was very tough for me because that character Shankar was on a thin line. So for me, it was like agar maine acha perform nahi kiya ya ye nikal ke nahi aaya, so wo miss ho sakta hai. But thanks to the again, it all goes to the director, the team, because hamari bahut workshop hui, humne bahut zyada prepare kiya uske liye. एंड फिर हमने धीरे 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 उस कैरेक्टर में जाके उससे बट मेरे लिए बहुत टफ था बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज दैट इट्स ईजी टू से लाइन्स इट्स ईजी टू यू नो इफ़ यू हैव समथिंग यू कैन डू और यू कैन पोर्ट्रे बट वेन यू डोंट हैव थिंग्स टू से वेन यू डोंट हैव डायलॉग्स वेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग जस्ट स्टैंडिंग आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट सो वो मुझे सीखने को मिला यार बहुत कि आप कम बोल के कैसे ज़्यादा वो कर सकते हो या आप शांत रह के कैसे सो मुझे लगता है एज एन एक्टर मेरे लिए माही एक बहुत बड़ी लर्निंग है एंड येस आई वॉन्टेड टू वर्क विद अतुल मोगिया सर एंड क्लीन स्लेट एंड अंशय सर सो आई ट्राइड माई बेस्ट लाइक मुझे चाहिए ये रोल सो मुझे मिला एंड हम सब ने बहुत मेहनत की यार हम हर दिन हर पूरे एक साल ये शूट चला है और एक साल में आई वॉज ओनली बिजी फॉर माई सो या एंड The best part is that for the first time मेरे लिए ये बहुत वैसा हो गया था कि मेरे दो शो बैक टू बैक आ रहे थे एंड वो कभी हुआ नहीं था और वो पहली बार गुल्लक और माई आ रहा था और गुल्लक और माई दोनों बहुत डिफरेंट है तो मैं बहुत डरा हुआ था कि यू नो कैसा लगेगा लोगों को पसंद आएगा कि नहीं लोग मुझे मतलब बोलेंगे कि अच्छा हाँ गुल्लक में अच्छा है बट इतना ही है लिमिटेड एक्टर है बट नहीं आ रहा है आई गॉट सच नाइस रिव्यूज़ पीपल लव माई वर्क एंड I will try my best for something else. So there is no pressure. I don't take pressure for these things because मैं अपने लिए ये चीज़ें करता हूँ जब तक मुझे मज़ा आता है जब तक मैं मज़े ले रहा होता हूँ लाइक आई शुड बी इन्जॉइंग द प्रोसेस इट शुड नॉट कम अक्रॉस कि अरे यार प्रेशर है अरे कैसे करेंगे कैसे बट हाँ हैविंग सेड दैट आई मेक श्योर दैट जो भी चीज़ मैं जो भी प्रोजेक्ट्स उठा रहा हूँ और ये बहुत पहले से रहा है वो यहाँ से यहाँ पे टच करने चाहिए मुझे तो अगर वो मुझे टच करता है तो मुझे लगता है कि यार ये मैं इससे रेजोनेट कर पा रहा हूँ तो करता हूँ भले फिर वो बड़ा रोल हो छोटा रोल हो या कैसा भी हो तो जैसे माई मेरे लिए जो कैरेक्टर था वो बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं था बट वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था वो बहुत चैलेंजिंग था सो आई एम ट्राइंग टू यू नो एज एन एक्टर आई एम ट्राइंग टू लर्न थ्रू these projects get that experience as an actor and उसके बाद देखते हैं like अभी जो मैं projects कर रहा हूँ और जो आने वाले projects हैं वो माई गुल्लक इन सब से बहुत अलग हैं so I'm when I look back I'm like very happy that you know I'm choosing the right things but it's not that you have to choose always right things sometimes it's like you know I do short films जस्ट टू एक्सप्लोर माई एक्टिंग वहाँ पर कुछ ऐसा वो नहीं होता है कि अरे ये क्या है वैसा क्या है बट हाँ शॉर्ट फिल्म से एक बहुत अच्छा मेरे लिए मीडियम बन जाती हैं अपनी एक्टिंग को और तेज़ करने के लिए धार बढ़ाने के लिए सो या आई मीन नो प्रेशर बट आई मेक श्योर दैट सीरीज़ और दैट पर्टिकुलर पार्ट इज़ गिविंग मी समथिंग वो हिलाते हैं ना कुछ तो हिलता है अंदर जब हिट होता है तो मुझे लगता है कि हाँ आई शुड बी डूइंग दिस सो या आई थिंक OTT इज लाइक द नेक्स्ट थिंग मैन आई रिमेंबर व्हेन बिफोर कोविड आई डोंट थिंक इतना OTT नो शोज़ बन रहे थे लाइक देर वॉज सीक्रेट गेम देर वॉज मिर्ज़ापुर बट इतना ज़्यादा लोग देख नहीं रहे थे बट आफ्टर कोविड व्हेन देर वॉज नथिंग टू डू ऑल वी डिड वॉज वॉचिंग ऑल दी सीरीज ऑन OTTs And that's how the OTT game started. And I remember after COVID, so the whole energy has changed because everybody is working. Every actor is working somewhere or the other. And I'm just happy and I'm like, this is like the golden time for every technicians, every writer, creative
actor, everybody. And the kind of range, like for Gullak, if you ask me, I have got people who is watching Gullak from US, Canada, pata nahi kahan kahan se dekh rahe hain yaar. तो ये एक OTT की रीच बहुत बहुत बड़ी है यार, और मुझे नहीं पता था कि इतनी प्यारी रीच होती है इन सारी चीज़ों की. एंड दूसरा ये भी है ना कि आपके शोज़ बाहर वाले भी देख रहे हैं, बाहर वालों के शोज़ आप भी देख रहे हो, और ये एक बहुत बढ़िया आदान प्रदान है जहाँ पे नो आपके काम की तारीफ बाहर की जा रही है एंड बाहर के शोज़ भी आप देख रहे हो. तो इट्स लाइक एंड द सेकेंड थिंग इज़ आई रियली लाइक नाउ द कॉम्पिटिशन इज़ प्योर. इट्स नॉट दैट आप कोई कहीं से आ रहे हो और आपका चलेगा, नहीं. इट्स लाइक इफ़ यू आर टैलेंटेड, आपके आसपास यार बहुत बहुत प्यारा कॉम्पिटिशन है और बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन है, जिसमें आपको ऐसा भी लगता है कि यार ब्रो ये काम कितना प्यारा है. लाइक व्हेन आई सॉ पाताल लोक, जयदीप भाई का काम जब मैंने देखा, मुझे लगा यार ये क्या काम है. देन मुझे वो मोटिवेट करता है यार कि अच्छा काम. और अभी तो हर मतलब बहुत आई एम वेरी हैप्पी यार, बहुत सारा प्रोजेक्ट बन रहा है बिकॉज क्योंकि आई हैव स्टार्टेड इन 2009, तो आई हैव सीन दैट फेज ऑल्सो वेयर देर वॉज फिल्म्स, टीवी एंड थिएटर, और कोई ऑप्शन नहीं था और एड्स थे. तो मेरा तो टीवी मुझे नहीं करना था, वो मेरा पर्सनल डिसीजन था. तो मेरे लिए फिल्म्स बचती थी, एड्स बचते थे और मैं थिएटर करता था. और फिल्म्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था लीड मिलना, ये करना. और मैं हमेशा से था कि यार मुझे मेन कैरेक्टर्स करने हैं, मुझे ऐसे छोटे छोटे वो करके नहीं जाना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें इसका एटलीस्ट कैरेक्टर का नाम हो और उसका एक ग्राफ हो. मुझे वो दोस्त नहीं बनना, मुझे ये नहीं करना. बट देन OTT केम एंड नाउ आई एम गेटिंग टू वर्क विद यंग पीपल एंड आई एम गेटिंग टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एज एन एक्टर, क्योंकि मुझे बहुत अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स मिल रहे हैं परफॉर्म करने को. तो वो मुझे लगता है कि यार OTT की देन है, क्योंकि बहुत अच्छी है. आई नॉट यार, सी आई कॉन्ट प्लान दीज थिंग्स, इट विल हैपन फॉर श्योर. आई नो एंड आई बिलीव इन मी दैट सूनर और लेटर दिस इज गोइंग टू हैपन, एंड दिस इज माई मेन दिस थिंग. लाइक फिल्म, आई जस्ट लव फिल्म यार. I love to be a part of a good, nice Hindi feature film. But let's see yaar, abhi step by step cheeze ho rahi hain. Now that people know me as an actor, things are coming my way, but just taking some time, and I'm happy that things are taking time yaar, because you know, let's walk slow, aram se ek ek cheez. And mujhe bhi aisa lagta hai ki mujhe bhi bahut seekhne ki zarurat hai abhi, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. एंड जब अच्छा टाइम आएगा, सही टाइम पे क्लिक होंगी चीज़ें, तो फिल्म्स भी मिल जाएंगी, फिल्म्स भी कर लेंगे. तो बट हाँ, मतलब लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन फॉर बिग फिल्म्स, फीचर फिल्म्स, एंड आई एम डाइंग टू वर्क विद सो मेनी एक्टर्स यार. तो लेट्स सी यार, फिल्म्स डायरेक्टर, माई ब्रदर who has made Gullak season 1. I love to work with him again because season 1 maine uske sath direct kiya tha. His name is Amrit Raj Gupta. And there is Mr. Bhansali. I really like him. Anurag sir, Kashyap sir, Vikramaditya Motwani. Like these are the people I like really looking forward to work with yaar. And then Palash, who has made Gullak season 2 and 3. So they're very good yaar, like especially I think mujhe sirf Bollywood mein kaam nahi karna hai yaar, mujhe everywhere yaar. And kyun nahi, matlab I think humme wo talent hai, hum kar sakte hain yaar. The reason is nothing, it's I'm not saying ki TV karna kharab hai, main bas main us format pe kaam nahi kar pata hu. Matlab मैं उतना वो नहीं हूँ, मैं आई कैन नॉट शूट फॉर यू नो फॉर एक कैरेक्टर में एक साल तक नहीं कर सकता, वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. मेरे लिए इट शुड बी फन, सो मेरे लिए ना थोड़ा वो हो जाता है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा. जो कर रहे हैं उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, सबका अपना अपना है. एक टाइम पर मैंने भी TV किया था, आई डिड अ सीरीज़ फॉर DD उर्दू, इट्स कॉल्ड कुतुब खाना. And I really enjoyed that process, yeah. Long back in 2011 or 12,
सो टीवी का कभी वैसा नहीं है कि टीवी करना नहीं चाहिए. जस्ट आई वॉन्ट टू डू फिल्म एंड वेब एंड थिएटर एंड ऑल दीज थिंग्स. यार आई एम आई फिनिश्ड वन फिल्म, इट्स अ फीचर फिल्म एंड इट्स कॉल्ड बेबी क्रास्टो. अगेन इट्स डिफरेंट, वेरी डार्क, वेरी फुल ऑफ ड्रामा. सो दिस विल कम आई थिंक नेक्स्ट ईयर और दिस ईयर्स एंड ऑफ दिस ईयर आई थिंक. So yeah, I'm like really looking forward and I'm shooting for something. I'm going to start the shoot in July end. So fingers crossed, man. There are two things which are going to come this year and then next year. This show which I'm doing will be there. So let's see. Yeah, thank you for loving my work, especially in Gullak and Mai. And thank you for always, asking good questions on Instagram and always ask for my health and always, you guys are, I never thought that, aisa fans hoga, but aap log hain to achha lagta hai, maza aata hai aur aapke liye kaam karte rahenge, hasate hasate rahenge, entertain karte rahenge and thank you for being there, thank you.